और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। अलवर में अंबेडकर नगर स्थित बीजेपी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी की प्रदेश महामंत्री और झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी। इस सदस्यता कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को बीजेपी की प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने सदस्यता अभियान से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से बताया। कार्यशाला के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना, पूर्व विधायक ज्ञानदेव जयराम जाटव, बन्नाराम मीणा, जिला संयोजक हरिशंकर खंडेलवाल, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल सहित सभी जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सदस्यता अभियान संयोजक व सह संयोजक सहयोग मंडल अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने बताया कि प्रदेश स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई थी। इस प्रदेश स्तर पर मिले दिशा निर्देशों पर अलवर में सदस्यता अभियान की कार्यशाला आज आयोजित की गई और अब कार्यशाला जिला स्तर पर आयोजित हुई और अब बूथ लेवल और मंडल स्तर पर कार्यशालाएं होंगी। जिले में हर मंडल स्तर, बूथ लेवल और शक्ति केंद्रों सहित हर विधानसभा पर 200 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े लोगों तक साथ उन्हें लेकर चलती है। सत्रह अगस्त ये बैठक हुई थी दिल्ली में और अब इसके बाद प्रदेश में और जिला स्तर पे ये बैठ के प्रशिक्षण, जिसको हम कहते हैं कि किस प्रकार सदस्यता ग्रहण की जा सकती है, किस प्रकार सदस्य बनाए जाए, इसलिए इसके तहत मैं आज यहाँ अलवर जिले में आई हूँ। आपने कार्यशाला में देखा है कि सब जिम्मेदार लोग मंडल तक के, शक्ति केंद्र तक के कार्यकर्ता हमारे बीच आए हैं और हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक मंडल पर 200 सदस्य हम बने और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी जिसकी सरकारें देखिए राजस्थान और दिल्ली में, बहुत सारे प्रांतों में बहुत अच्छा काम कर रही है। कि जो कार्यशाला हुई है वो जिले की सदस्यता की कार्यशाला हुई है, क्योंकि 20 तारीख को प्रदेश की कार्यशाला हुई थी तो प्रदेश के निर्देश पर आज 23 तारीख को हमने जिले कार्यशाला की है। इस कार्यशाला में हमारे प्रदेश की महामंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय संतोष अहलावत जी का हमें मार्गदर्शन मिला है और अब सदस्यता के लिए ये कार्यशाला की गई है। कार्यशाला में सदस्यताओं के लिए हमें प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है। हम प्रदेश में एक नंबर एक पर आने का प्रयास करेंगे, पिछली बार भी हम नंबर दो पर थे और पूरे सदस्य हम बनाएंगे जैसा हमें मार्गदर्शन जो हमें देश प्रदेश से है उसकी पालन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम के संभावित दौरे को लेकर हलचल बढ़ गई है। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया मानगढ़ पहुंचे और यहां कार्यक्रम आयोजन पर चर्चा की, साथ ही यहां बने हेलीपैड का भी जायजा लिया। इस दौरान जिला प्रमुख रेशम मालविया, उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटीक, विकास अधिकारी विनोद पारिक, प्रधान हरिशंकर देवत्रा और अन्य मौजूद रहे। इस प्रकार की सूचना हमें मिली थी कि उनका कार्यक्रम संभावित अभी पुख्ता तय नहीं हुआ है, डेट से भी नहीं आई, लेकिन चूंकि संभावना दर्शाई गई थी तो तैयारियों को लेकर के जो जनप्रतिनिधिगण हैं उन्होंने एक दिन पहले ज्ञापन दिया था, तो तैयारियों को देखने के लिए कि कहाँ तो कार्यक्रम होगा, कहाँ हेलीपैड बनेगा, किधर, चूँकि 1,00,000 से ज़्यादा लोगों के प्रतिभागी होने की संभावना है। तो जिस प्रकार का लखपति दीदी सम्मेलन रेणेश्वर में हुआ था जिसमें राष्ट्रपति महोदय आएगी, उसी प्रकार का सम्मेलन होने की संभावना अभी बताई गई है। टीएजी के अधिकारियों से कुछ से बात हुई थी तो उसके तैयारियों के बाबत कल मानगढ़ में एक मीटिंग रखी गई थी, वहाँ तैयारियों का जायजा लिया गया और जैसे डेट्स आ जाती हैं उसके बाद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश महासचिव शिशुपाल सिंह निमाडा की अनुशंसा पर सुभाष मेवाड़ा को सुमेरपुर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है।
मेवाड़ा के अध्यक्ष मनोनीत होने पर सुमेरपुर नगर और पूरे ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। इस मौके पर मेवाड़ा ने कहा कि कांग्रेस की हर कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलूंगा। प्रदेश महासचिव शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा ने कहा कि मेवाड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने लगेंगे और नगर में कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाएंगे। इस मौके पर करण सिंह मेड़तिया अध्यक्ष ललित परिहार, महेश परिहार, हंसराज लोहार, बरकत अली, जाफर भाई सिलावट, भरत बुराणा सहित तमाम लोगों ने प्रदेशाध्यक्ष और महासचिव का आभार जताया है। युवक कांग्रेस की तरफ से हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं सुभाष जी मेवाड़ा, इनको हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासा जी ने सुमेरपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आपको नियुक्ति दी और आपके नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ मजबूत हो। युवक कांग्रेस ने आपके अध्यक्ष बनने की खुशी में आज आतिशबाजी की है और आपका स्वागत किया है, आपका अभिनंदन किया है और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन और युवक कांग्रेस के साथी आपको बधाई देने आज यहाँ उपस्थित है। सर, प्रथम तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासा साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ और साथ ही हमारे भाई शिशुपाल सिंह जी ने उनके प्रयास रथ से ये जो मुझे पदोन्नति मिली है और करण सिंह जी मेड़तिया साहब भी यहाँ खड़े हैं, हमारे सीनियर संगीता जी जो उन्होंने भी प्रयास किया और उनके सहयोग से जो आज मुझे पदोन्नति मिली है नगर अध्यक्ष कांग्रेस की, मैं पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। युवाओं को, बड़े बुजुर्ग और सभी वर्ग के लोगों को साथ देते हुए हम आगे निरंतर बढ़ेंगे और सुमेरपुर की जो समस्या है उसके निदान के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। गोपालन, पशुपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गुरुवार को सिरोही जिले के रेवदर तहसील के नंदगांव केसुआ के मनोरमा गौलोक तीर्थ गौशाला पहुंचे, जहां गौमाता का पूजन कर गौशाला का अवलोकन उन्होंने किया। गौशाला की व्यवस्था देखकर मंत्री कुमावत ने कहा कि इस तरह की अच्छी व्यवस्था हर गौशाला में होनी चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि गौमाता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस मौके पर गौशाला संस्था पदाधिकारी एवं सदस्यों ने गौशाला की समस्या को लेकर मंत्री कुमावत को ज्ञापन भी सौंपा। इससे पूर्व मंत्री कुमावत का गौशाला पहुंचने पर गौशाला के पदाधिकारियों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। मंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि सिरोही जिले में मुख्यालय पर अरबुदा गौशाला का संचालन श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला भड़वज नंदगांव कर रही है। उस गौशाला को अनुदान के लिए नगर परिषद के माध्यम से अप्लाई करना पड़ता है, नगर परिषद अप्लाई नहीं करती है, उसके लिए एक ज्ञापन दिया है कि इसके लिए गौशाला को अधिकृत करें। दूसरा प्रमुख मुद्दा है, इस गौशाला को सरकार द्वारा 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए, तारबंदी, झाड़ी सफाई, जमीन समतलीकरण के लिए। एक किस्त मिलने के बाद में जिला प्रशासन द्वारा अगली किस्त नहीं दी जा रही है। हमने 17 पत्र लिखे हैं लेकिन एक पत्र का भी जवाब नहीं आया है, इसलिए मंत्री महोदय से हम निवेदन किया कि इस मामले का निस्तारण करो। सरकार का पैसा अटका हुआ है, सरकार ने रुपया भेज दिया है, गौशालाओं को नहीं मिल रहा है। नंदगांव में जो गौशाला चल रही है वहाँ मुझे आने का मौका मिला और यहाँ जो गौ माता की जिस तरह से संस्था द्वारा गौ पालकों गौ भक्तों द्वारा सेवा की जा रही है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है और हम सबका भी दायित्व है कि हम गौ माता की सेवा जिस तरह से यहाँ हो रही है उसी तरह से अपने अपने गांव में अपने अपने क्षेत्र में गौशाला खोल करके गौ माता की सेवा करें। गाय हमारी माता है और गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं और जो गौ माता की सेवा करता है उनका परिवार हमेशा सुखी रहता है, संपन्न रहता है। निश्चित रूप से हम सबको गौ माता की सेवा करने की आवश्यकता भी है। झालावाड़ कोलाना एयरपोर्ट अब पूरी तरह से तैयार है, यहाँ किसी भी प्रकार का विमान उतारने के लिए ये फिट हो गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम ने कोलाना हवाई पट्टी के रनवे पर बिछाई टॉप लेयर का फ्रिक्शन टेस्ट किया। यहाँ लाई गई रनवे फ्रिक्शन मशीन वॉल्वो से ये टेस्ट किया गया है। इस रनवे पर 95 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फ्रिक्शन मशीन लगाकर इसका घर्षण चेक किया गया। दरअसल ये घर्षण 74 से कम नहीं होना चाहिए जबकि यहाँ रनवे का घर्षण 84 आया, जो विमान उतरने के लिए बेहतर है।
और झालावाड़ पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता हुकुमचंद मीणा ने बताया मामले में कि कोलाना एयरपोर्ट पर फ्रिक्शन टेस्ट के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से प्रबंधक तकनीकी विक्रम सिंह, वरिष्ठ अधीक्षक तकनीकी कुलदीप सिंह और सुभाष चंद्र यहां पहुंचे। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का ये फाइनल टेस्ट होता है, उसके बाद से अब यहां पर विमान उतारने की तैयारियां भी की जा रही हैं। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने नागरिक उड्डयन विभाग को पत्र भी लिखा है। इसमें बताया गया है कि कोलाना एयरपोर्ट पर 3000 मीटर रनवे की टॉप लेयर का काम भी पूरा हो चुका है। और झालावाड़ असनावर में ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा के रेलवे स्टेशन मार्ग पर यात्रियों को कीचड़ की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सेमली नेवाबाद गांव तक ग्रेवल रोड किया जाए और विद्यालय में आते जाते बच्चों को इस समस्या का काफी सामना करना पड़ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन बीजेपी जिला संयोजक रामस्वरूप पाटीदार ने बताया कि इस कार्य को शीघ्र से शीघ्र करके क्षेत्र में जनता को खुशहाली दें ताकि आने वाले समय में हमें जनता को जोड़ने का फायदा हो। अलवर पुलिस प्रशासन की तरफ से कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति के लिए आज शहर के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में कांस्टेबल की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। 27 पदों के लिए हुई भर्ती के दौरान पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि 212 कांस्टेबलों ने परीक्षा में भाग लिया, जिनके द्वारा पूर्व में लिखित परीक्षा दी जा चुकी है। उनके द्वारा आज पुलिस परेड ग्राउंड में परेड और शस्त्रों की जानकारी सहित दौड़ का आयोजन किया गया। 212 कांस्टेबलों में 175 पुरुष और 57 महिलाएं शामिल हैं। उनकी लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता माप की मेरिट लिस्ट के आधार पर 27 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति दी जाएगी, जिसमें रेंज आईजी के निर्देशन में पूरी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। टोटल अभ्यर्थी है जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की प्रमोशन टेस्ट में आज बैठ रहे हैं, इसमें 175 पुरुष और बाकी 57 महिलाएं हैं। उसके अलावा ये अलग अलग टेस्ट होते हैं, सुबह दौड़ हुई, उसके बाद पीटी परेड, आपका हथियारों और बलवा परेड की जानकारी, इस संबंध में सारे एग्जाम होते हैं। इसमें चेयरमैन जो है वो महानिरीक्षक रेंज जयपुर होते हैं, एक डीजीपी नॉमिनी होता है और एक मैं एज एसपी अलवर इसका मेंबर है, और ये टेस्ट करके और आज शाम तक हम इसका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। नहीं, बेसिकली पहले रिटन टेस्ट हुआ था, आज आउटडोर टेस्ट है। इनके कम्बाइंड नंबर से जो मेरिट बनेगी और उसमें श्रेणी वाइज जनरल एससी एसटी की जितनी सीटें होगी, कुल 27 सीटें हैं, तो कुल 27 हेड कांस्टेबल आज जुड़े। नारायणपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बीजेपी नेता यासीन की हत्या मामले में शामिल एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नारायण में पिछले दिनों 11 जुलाई को बीजेपी नेता यासीन पर बदमाशों ने हमला किया था। इलाज के दौरान यासीन की मौत भी हो गई थी। इसको लेकर थानाधिकारी शिंभू सिंह ने बताया कि हत्या में शामिल 5000 का इनामी बदमाश करवेंद्र उर्फ टूटू को गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व 5 आरोपियों को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया था। बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। और जिले के मारवाड़ जंक्शन के जोरावर गांव में एक झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से एक छात्र की मौत हो गई। वहीं पोते की मौत की खबर सुनकर सदमे में आकर बुजुर्ग दादी की भी मौत हो गई। सैकड़ों की तादाद में छात्र के परिजन और आसपास के कई गांवों से ग्रामीण झोला छाप डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का घेराव किया। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो मारवाड़ की ये तस्वीरें हैं, देखिए, जहां पर एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसके इंजेक्शन लगाने के बाद से तबीयत बिगड़ी और उस बच्चे की मौत हो गई। और इस सदमे में आकर के जब पता चला दादी को कि पोते की मौत हो चुकी है, तो बुजुर्ग दादी की भी मौत बताई जा रही है। अब उसके बाद से गुस्साए ग्रामीणों ने और आसपास के लोगों ने घेराव किया और जाम लगाया। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का घेराव करते हुए यहां पर तस्वीरें सामने आ रही है ग्रामीणों की।
अलवर अग्रसेन सर्किल से नमन होटल मार्ग पर मनोहर नगर में बना करीब 35 साल पुराना शिव हनुमान मंदिर बुधवार रात क्रेन की टक्कर से टूट गया। उसके बाद से शुक्रवार को नगर विकास न्यास के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलोनी वासियों और स्थानीय पार्षद राजेश सैनी से वार्ता कर मंदिर को सड़क को हटवाकर सड़क किनारे निर्माण करने की बात कही, जिस पर लोगों ने सहमति जताते हुए कहा कि ये मंदिर जिस तरह पहले बना हुआ था वैसा ही बनना चाहिए और सड़क किनारे साइड पर उसी मापदंड के तहत बनाना चाहिए। नगर विकास न्यास के अतिक्रमण अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जिस जगह ये मंदिर पहले था सड़क के बीचों बीच था और सड़क हादसा होने का खतरा रहता था, लेकिन अब कॉलोनी वासियों से वार्ता कर मंदिर को सड़क किनारे बनवाने के लिए वार्ता की गई है, जिस पर कॉलोनी वासियों ने और स्थानीय पार्षद ने सहमति भी जाहिर की है। मंदिर बना हुआ है, पुराना मंदिर है और थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है, जन साधारण की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी मंदिर क्योंकि टूट गया है तो हम ये चाहते हैं कि मेन सड़क पे से मंदिर हटके और ये बगल में ये जो है यहाँ शिफ्ट कर लिया जाए, इसके प्रयास जारी है। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो भी समाधान होगा वो फिर हम आपको अवगत करेंगे। कितने मीटर लंबाई चौड़ाई में ये बना हुआ था? पहले बना हुआ था 14x12 का है, 14x12 में है, इसमें सड़क के बीचों बीच था, ये मुख्य सड़क है 160 फीट की, इसके बीच में। अब जो इनको जमीन दी जा रही है वो कितने फीट की जमीन देना जैसा कुछ नहीं है। पहले कॉलोनी वालों सबको पता है कि ये प्लॉट था, मंदिर नहीं था, मंदिर था लेकिन प्लॉट में था, ये कॉमर्शियल था, लेकिन ये प्रशासन ने इसको ऐसे तैसे करके इसकी वो कर दिया, सारा मिट्टी खराब कर दी। तो अब ऐसा है कि जितनी जगह में ये बन रहा है उतनी ही जगह यूआईटी के अधिकारी आकर हमको चिन्हित कर दिया है और उस मंदिर को जब हटाया जाएगा जहाँ पर प्राण प्रस्थान हो जाएगा और इन मूर्तियों को द्वार भिजवाया जाएगा, पूरे कोरोनावासी इसमें राजी हैं, तो इसमें हम भी राजी हैं। तो हम तो भविष्य में ये रखें कि कोई प्रशासन पर इसके ऊपर हाथ से ना हो। अभी यूआईटी के अधिकारी आए हैं, वो क्या कह रहे हैं? अधिकारी जो कह रहे हैं कि जब हमारा ये कहना आपसे ये है कि जो मंदिर रोड में आ रहा है यहाँ, हमने उनको ये कहा रोड में नहीं है, पहले पर प्लॉट था यहाँ पर, लेकिन उन्होंने समझा करके कहा है कि हम इतनी जगह आपको इधर की साइड में दे देते हैं, तो आप यहाँ पे बना लो, उसमें भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये रास्ता भी जो दुर्घटना होती है वो होने से बच जाए। तो इससे क्या कॉलोनी वासी बिल्कुल वो है? हाँ, ये बैठ करके कॉलोनी वासियों से सबसे संशोधन किया है और जिस प्रकार से कॉलोनी वासियों किया उनको संतुष्ट किया है, प्रशासन भी मान गया, कॉलोनी वासी मान गए, हम भी इसमें राजी है, हम तो एक आम जन आदमी है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना पुलिस ने एक ऐसे छात्र को डिटेन किया है जो कि चाकू लेकर अपने स्कूल पहुंचा था। इसे पकड़कर स्कूल स्टाफ और अन्य ने सदर थाने को सौंप दिया। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया मामले में कि कुपड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने फोन पर सूचना दी थी, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि कुपड़ा स्कूल में एक छात्र नीलेश भगोरा उम्र 18 वर्ष का, उसके दोस्त से उसका झगड़ा हुआ था। अवकाश के बाद नीलेश पुत्र दिनेश भगोरा अपने साथ चाकू लेकर आया था। स्कूल गेट पर जब दूसरा छात्र आया तो उसे पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट करने लगा, तभी प्रिंसिपल शिक्षक और छात्रों ने तत्परता दिखाते हुए छात्र को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को डिटेन कर लिया। विद्यालय की छुट्टी होने के बाद विद्यालय के गेट के बाहर कुछ लड़के एकदम इकट्ठा हो गए थे और हमको कुछ छात्रों ने सूचना दी कि सर कुछ बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, तो मैं और मेरे विद्यालय के शिक्षक दौड़ करके तुरंत वहां पर गए और वहां पर नीलेश भगोरा करके एक लड़का था जो उस बच्चे को कोई मार रहा था, ऐसा कर रहा था, लेकिन छात्रों ने भी बीच में पड़ के छुड़वाया और हम जाकर के उस बच्चे को यहां पर अंदर लाए और अंदर लाने के बाद जो है उसके अभिभावकों को हमने बुलाया और अभिभावकों को बुलाने के बाद हमने उसको अच्छे से बच्चे को समझाया ऐसा काम नहीं करना है, लेकिन जिस बच्चे पर ये जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था उस बच्चे ने कहा कि सर इसके पास में चाकू है ऐसा, तो जैसे इस बच्चे ने कहा था हमने गुरुजी को कहके उस बच्चे के जेब को चेक करवाया और उसके जेब से हमको जो चाकू मिला और एक चिलम जो थी वो मिली। इसके बाद हमने उसके अभिभावक को कहा कि भाई ये हथियार लेकर के स्कूल के बाहर था, चूंकि ये लंच के बाद तो छुट्टी पे तो आया भी नहीं था, तो हमने फिर उसके अभिभावक को अब ये हथियार लेकर के आया है इसलिए इसके खिलाफ हम एफआईआर करवाएंगे। मैंने सदर थाने के सीआई साहब को फोन किया और सीआई साहब अपने पुलिस दस्ते के साथ आए और यहाँ आकर के बच्चे को वहाँ पर वो ले गए और वहाँ जाकर के हमने बच्चे के खिलाफ जो है वो एफआईआर भी दर्ज जो है वो करवाई है। ऐसी बात सामने आई थी कि कल सुबह दोपहर के बीच में स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुपड़ा में दो लड़के आदिवासी समाज के आपस में कोई बात को लेकर झगड़ लिए
जिसमें से आरोपी बीच में ही स्कूल में घर चला गया। फिर स्कूल खत्म होने के पश्चात वो आया था, उसके पास चाकू था। इससे पहले कि कोई घटना को अंजाम दे पाता, वहाँ के लोगों ने और स्कूल के कर्मचारियों ने सजगता से उसे पकड़ा और पुलिस को सुपुर्द किया। प्रकरण दर्ज किया जा चुका है और आरोपी को अरेस्ट किया जा चुका है। क्या कारण है, कुछ सामने अभी उस पर तफ्तीश चल रही है, छोटी मोटी बातों को लेकर। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट बैंक मैनेजर की 25 साल की पत्नी अपने रिश्तेदारों के यहाँ अज्ञात कारणों के चलते कमरे में अपनी साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठी। जानकारी के अनुसार कुम्हेर थाना निवासी जाहगहीर गांव में सीमा शर्मा की शादी करीब 10 साल पहले हरदेव शर्मा के साथ हुई थी। हरदेव शर्मा हरियाणा के कोटक महिंद्रा बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। महिला सीमा देवी करीब 15 दिन पहले अपने 7 साल के बेटे को लेकर अपने ससुराल से उद्योग नगर क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहाँ बच्चे की पढ़ाई के लिए आई थी, लेकिन कल देर शाम महिला ने अपने कमरे में ही अपनी साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पिहर और ससुराल पक्ष के अभी तक कोई शक सुबह जाहिर नहीं की है और फांसी लगाने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। गोलेटा एमआईए में किराए के कमरे में रह रही थी। कल शाम को करीब 6 बजे उसने अपने कमरे के अंदर से बंद करके फांसी का फंदा लगा लिया था अपनी साड़ी से। पुलिस थाने को सूचना मिलने पर हम उसको लेकर यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आए। यहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, जिसकी लाश को मुर्दा घर में रखवा दिया। बात यही, अब इन्होंने रिपोर्ट दी है कि हमने इसकी मृत्यु पर कोई शक शुबा नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, तो इसको मर्ग में लेकर इसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश इसके पिता को सुपुर्द की जाएगी और बाकी जांच की जाएगी। जांच से जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई होगी। बांसवाड़ा संभाग में लगातार बढ़ते पत्थरबाजी और लूटपाट की घटनाओं को लेकर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की है, जिसमें सख्त कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए। वहीं संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने बताया कि संभाग के तीनों जिलों में पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के नागरिकों द्वारा लगातार ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर के तीनों जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक में मौजूद अधिकारियों को के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए संभाग के तीनों जिलों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा अभियान चलाया जाएगा। जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के ये ज्ञापन दिया 2-3 दिन पहले कि साहब दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हम सब मिलकर के कोशिश करें कि ऐसे पत्थरबाजों का चिन्हीकरण हो, उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ हमारी युवा पीढ़ी को बताया जाए कि इस प्रकार की घटनाओं से दूर रहें। पूरे संभाग के सभी स्कूलों में अभियान चला करके सबको ये बताएंगे कि पत्थरबाजी की घटना जो भी करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी, उसको किसी प्रकार की भविष्य में सरकारी नौकरी मिलने में बहुत दिक्कतें आएंगी, तो वो तमाम चीज़ें उनको बताई जाएं। सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे प्रशिक्षण संस्थान, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सब मिलकर के कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ अब 5 सितंबर को जो ग्राम सभाएं होने जा रही हैं, तो ग्राम सभा में भी चर्चा की जाएगी कि फलाने गांव के फलाने व्यक्ति ने पत्थरबाजी करी तो पुलिस में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी, वो अभी तक भी जेल में है, ताकि वहां के गांव के लोग ये संकल्प ले सकें कि हमारे गांव का कोई भी बच्चा पत्थरबाजी की घटनाओं में लिप्त ना हो। इस प्रकार पुलिस प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी और हमारे सीईओ साहब सब मिलकर कोशिश करेंगे तो पत्थरबाजी घटनाओं पर। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अलवर द्वारा समुदाय विशेष के व्यक्तियों द्वारा घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मांग को लेकर मिनी सचिवालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन कर रहे व्यक्ति प्रेम सिंह रजावत ने बताया कि 22 जुलाई को घर पर घुसकर समाज विशेष और असामाजिक तत्वों द्वारा महिला से छेड़खानी कर उस पर जानलेवा हमला किया गया था। तो राजस्थान की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।